अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप से सब ठीक होंगे। वेलकम टू अमेजिंग फूड लैब। आज आपके सामने ये बैंगन की रेसिपी है। बैंगन किस तरह से बनते हैं आज हम इसकी रेसिपी बताते हैं कि ये वाली सब्ज़ी किस तरह से बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने बैंगन को इस तरह से जला लेना है। अपने जो चूल्हा होता है, जो स्टोव होता है, उस पर हमने बैंगन को इस तरह से जला लेना है। उसका सारे जला के उसका सारा छिलका उतारना है। सबसे पहले वो जब जल जाएगा इस तरह से, उसको हमने इस तरह से जला लेना है। देखिए, हमने उसका इस तरह से छिलका उतार दिया है। हमने दो बैंगन लिए हैं, तीन बैंगन लिए हैं और दो टमाटर और ये हरी मिर्ची ली प्याज सारी चीज़ें। हमने बैंगन का जो भरता रेडी करना है, इसको बैंगन का भरता भी बोला जाता है, उसमें हमने ऐड करना है। बैंगन की सब्ज़ी में ऐड करना है ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले जो है हमने बैंगन को इस तरह से जो है वो मैश कर लिया है, बीट कर लिया है, मैश कर लिया है। इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है, बैंगन को जो हमने जलाया था, जिसका छिलका हमने उतारा था। उसके बाद हमने ऑयल लिया है। ऑयल हमने एक चम्मच ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है सब्ज़ी में। तो ऑयल हमने एक चम्मच ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल गर्म हो जाएगा, तो उसमें हमने इतना सा जीरा ऐड कर देना है। इस तरह से हम जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हमने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। फ्लेम जो है वो आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो फ्लेम पे आपने टमाटर का पेस्ट ऐड करके थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रख देना है। उसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने ये प्याज अपने ऐड कर देनी है और हरी मिर्च हमने कट कर ली थी वो हमने ऐड कर देनी है। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है वो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली। 5 to 10 मिनट्स हमने इसको कुक कर लेना है। इस तरह से ऑयल जब ऊपर आने शुरू हो जाएगा तो हमने उसमें ये बैंगन जो मैश किया था, जिसका हमने भरता बनाना है, वो हमने इस तरह से बनाना है। भरता बनता ही बैंगन को मैश करके है, उसको पहले जला के उसका छिलका उतार के, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है, इसमें जो है मिक्स कर लेना है। तो 5 to 10 मिनट्स हम इसको मतलब के बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद हम इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको बैंगन का सालन भी कहा जाता है, बैंगन का भरता भी कहा जाता है। तो अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बैंगन का भरता, बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।